हेलो बच्चों, आइए स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु में। हमारी ऑफलाइन क्लासेज प्रयागराज में चलती हैं और ऑनलाइन क्लासेज रेगुलर बेसिस पे आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है। मेटल नॉन मेटल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लास टेंथ का चैप्टर है साइंस का और थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री से आता है, मेटल से नॉन मेटल, ठीक है। तो जो डिस्कस हम लोग करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, यानी कि जो मेटल होगा एसिड से रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा, यानी मेटल का सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा भाई, हाइड्रोजन बनाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जब मेटल क्या करेगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड क्या बनाएगा, मेटल का सॉल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है, ये हमारा रिएक्शन है, इसको हम लोग जान लेंगे तो आराम से क्या करेंगे, इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लेंगे। चलिए कोई भी मेटल ले लेते हैं, जिंक का मेटल हमने ले लिया, जिंक ले लिया प्लस HCl ले लिया, क्या ले लिया हमने, जिंक ले लिया प्लस HCl ले लिया। जिंक क्या हमारा मेटल है, जब हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सबसे पहले पता है कि मेटल का सॉल्ट बनेगा, यानी कि जिंक का कोई ना कोई सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो क्या बनेगा, ZnCl2, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। क्लियर हो रहा है, मेटल का रिएक्शन HCl से कराया, यानी कि एसिड से कराया, तो क्या बना, मेटल का सॉल्ट बना और हाइड्रोजन बना, ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। और भी एलिमेंट लेके देख लेते हैं, अगर Zn का, अगर इसी Zn इसी मेटल का हम रिएक्शन किससे करवाते हैं, H2SO4 से करवाते हैं, यानी एसिड को हमने चेंज कर लिया, तो क्या बनेगा आप बताइए, हमने क्या किया, रिएक्टेंट लिख दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिर्फ ये रिएक्शन आपको याद रखना है, ये आपको मेन स्टैंडर्ड रिएक्शन याद रखना है, अगर ये आपको याद है तो कोई भी फॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं। मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो मेटल का सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। यानी देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, मेटल का सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है, यहाँ भी क्या हुआ, मेटल का सॉल्ट बना और हाइड्रोजन बना, ठीक है। देखो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा हैं, अपवाद बहुत ज़्यादा हैं, केमिस्ट्री में और इंग्लिश में आपको स्टेप स्टेप पे एक्सेप्शन मिलेंगे, इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा मिलता है, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए केमिस्ट्री में इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन अगर देखें हम लोग, यानी अपवाद की बात करें, जो रूल को फॉलो नहीं करेगा वही एक्सेप्शन होता है, ठीक है। जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये क्या है भाई, हमारा नाइट्रिक एसिड है। जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2O बनाएगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। अब समझिएगा एक चीज, जनरल इक्वेशन में हमने क्या देखा कि मेटल कभी भी रिएक्शन करेगा एसिड से तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, सॉरी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक्सेप्शन में क्या हो रहा है, जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन, ये क्या है हमारा नाइट्रिक एसिड, चलो लिख देते हैं बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, ये क्या हो रहा है नाइट्रिक एसिड, जब मेटल से रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट बन रहा है और सॉरी वाटर बन रहा है, यानी बनना क्या चाहिए, हाइड्रोजन बनना चाहिए, हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए, बट क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ये क्या हमारा एक्सेप्शन है। क्योंकि HNO3 जो होता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है, HNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ये रहा अपवाद हमारा। अब एक चीज़ और समझते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर देख लिया था आपने, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड देख लिया था आपने, अब क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या पढ़ना है हम लोगों को, जब मेटल किससे रिएक्शन करेगा, अब तीसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, मेटल रिएक्ट विद, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यानी कि O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं, क्या हमारा तीसरा इक्वेशन है, तीसरा रिएक्शन है, ठीक है। क्लियर हो रही है सारी चीजें, क्या बताया मैंने, जब मेटल रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जान लेते हैं, जब मेटल, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि O2, तो क्या फॉर्मेशन करेगा,
मेटल का ऑक्साइड बनाया, क्या बनाएगा प्रोडक्ट में, क्या बनेगा भाई? मेटल ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है? बहुत अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रटना नहीं आप लोग, केवल समझना। क्या दिखा दिखा आपने कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जब सोडियम, सोडियम भी क्या हमारा मेटल, सोडियम को लेके देख लेते हैं। जब सोडियम का रिएक्शन किससे होता है भाई? ऑक्सीजन से होता है, O2 से, तो क्या बनाएगा? कभी भी मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा? मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, तो क्या बन जाएगा? Na2O, ठीक है? अब रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लेना, जनरल इक्वेशन में बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या हुआ? जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बना? Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है? सारी चीज़ समझ में आ रही है। अब एक चीज़, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर पोटेशियम का रिएक्शन किससे करवाते हैं? O2 से, यानी कि ऑक्सीजन से। जब मेटल इसके साथ रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा? मेटल का ऑक्साइड। तो पोटेशियम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई? पोटेशियम ऑक्साइड, यानी कि मेटल का ऑक्साइड K2O बनाएगा। क्लियर हो रही चीजें? अब एक चीज आपको ये समझना है, जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ऑक्साइड हमारे बन रहे हैं, ठीक है, जो ये ऑक्साइड हमारे बन रहे हैं, मेनली क्या होंगे? जनरली बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। क्या होंगे भाई? बेसिक ऑक्साइड्स, दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। यानी जो फॉर्मेशन होगा ऑक्साइड का, क्या होगा? वो बेसिक ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में क्या है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, अभी आपको बताता हूँ। अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूँ, आपको बताया था मैंने कि आपको यूनिक पे हर चीज़ नोट्स के फॉर्म में मिलेगा, यानी कि हर चीज़ लिख के बताएंगे आपको, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम रिलैक्स होकर के पढ़ना आप लोगों को, ठीक है? एक्सेप्शन में क्या है आपका? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। इसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जो ऑक्साइड एसिडिक नेचर भी शो करे और बेसिक नेचर भी शो करे, उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्लियर हुई? चलिए कोई बात नहीं। अगर हम एल्युमिनियम का, चलिए अगर एल्युमिनियम का रिएक्शन किससे कराते हैं? एल्युमिनियम ही मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा बताइए? Al2O3, क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनेगा। अब देखिए, जो Al2O3 बना हमारा, होना क्या चाहिए? इसको भी बेसिक होना चाहिए, लेकिन क्या हमारा एक्सेप्शन है, ये क्या होगा? एसिडिक नेचर भी शो करेगा और बेसिक नेचर भी शो करेगा। क्या करेगा? एसिडिक नेचर भी शो करेगा और बेसिक नेचर भी शो करेगा, ठीक है? एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड क्या करते हैं? दोनों ऑक्साइड, मतलब ये जो होते हैं, क्या है? दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। क्लियर हो रही सारी चीजें? अब देखो, अब कैसे पता करेंगे? आपको पता है, आप पढ़े होंगे कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। क्लियर हो रही सारी चीजें? एसिड प्लस बेस क्या करता है? रिएक्शन करता है, तो क्या फॉर्मेशन होता है भाई? सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? अब देखिए, समझिए, अब जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है, Al2O3 बना है, ये एसिडिक बेसिक नेचर का, कैसे पता करेंगे ये शो कर रहा है? जब इसको क्या करेंगे? एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी कि जब इसको हम क्या करेंगे? एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी कि Al2O3 को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? एसिड के साथ। तो यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा, एज ए बेस ये क्या करेगा? ट्रीट करेगा। HCl हमारा क्या? एसिड है, ये क्या करेगा? बेस की तरह काम करेगा। तो क्या फॉर्मेशन क्या होगा? AlCl3 प्लस H2O, क्या बनेगा भाई? AlCl3 प्लस H2O, क्या बना? मेटल का सॉल्ट, सॉल्ट बना और वाटर बना। अब यहाँ पे आप एक चीज ये देख पा रहे हैं, जो हम क्या किए, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिएक्शन किससे कराया भाई? एसिड के साथ, तो ये हमारा बेस की तरह ट्रीट करने लगा, यानी कि ये हमारा बेस की तरह काम करने लगा। अब इसको क्या करेंगे? जब इसको हम क्या करेंगे? बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो एसिड की तरह से ट्रीट करेगा। क्या बताया मैंने? अब देखिए, यहाँ पे एसिड के साथ है, तो बेस की तरह काम करा। अब जब इसको रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? बेस के साथ कराएंगे, तो ये एसिड की तरह काम करने लगेगा। कैसे करेगा? मान लो हम क्या करते हैं, Al2O3 को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं, यानी कि बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। तब यहाँ पे क्या करेगा? ये एसिड की तरह ट्रीट करेगा भाई। यहाँ पे बेस की तरह ट्रीट कर रहा था और यहाँ पे एसिड की तरह ट्रीट कर रहा था, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर का होगा।
ठीक है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर का होगा, यानी कि फॉर्मेशन क्या होगा, यानी कि जब Al2O3 NaOH के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, फॉर्मेशन क्या होगा, कभी भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, क्योंकि पता है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन बना करता है तो क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर बनता है, तो क्या बन जाएगा NaAlO2, क्या बनेगा NaAlO2 प्लस H2O, तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको बनना ही बनना है, ठीक है। यानी कि आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिक एसिड की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है, यानी कि जिंक और एल्युमिनियम को ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर, इट मींस दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। क्लियर हुई सारी चीज़ें। अब एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं, जो अगले पड़ाव में हम लोग देखेंगे।